एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोका खरगोश का घर। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आप सभी को कि कोका खरगोश का पुराना वाला घर था जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था, पूरी मेहनत करके वो बंदरों ने तोड़ दिया है। अगर आप उसे जानना चाहते हैं कि उसका घर कैसे टूटा तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसका टाइटल है कोका खरगोश का दिल टूट गया। और वाकई वो उसे बहुत बुरा लगा कि उसका घर टूट गया। कोका खरगोश इस समय थोड़ा सा दुखी है क्योंकि उस बेचारे का घर टूट दिया है। उसका घर टूटा किस वजह से है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आप बात करते हैं आज के बारे में, तो आज हम देखने वाले हैं कोका खरगोश का नया घर जो मैंने बनाया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आप देखने के लिए तैयार हैं जो घर मैंने अपने हाथों से बनाया है और उसमें थोड़ी बहुत मदद कोका खरगोश ने भी की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, आप लोग करते रहें। और ये देखिए दोस्तों, यही है कोका खरगोश का नया घर जिसे मैंने बनाया है। आप कमेंट करके बताइएगा ये घर आपने को कैसा लगा। कोका खरगोश को तो ये घर बहुत अच्छा लगा है और वह इस समय इसी में रह रहा है। इसे मैंने सेटरिंग से बनाया है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने पहले ईंटें रखी हैं, ये देखिए दोस्तों। और कोका खरगोश उस बिल के अंदर बैठा है। ये मतलब भर का बड़ा घर बना है, मजबूत तो ज़्यादा नहीं है। कोका खरगोश इससे पहले जो बनाया था वो ज़्यादा मजबूत था। और ये देखिए कोका खरगोश पहले इस प्रकार रहता था नीचे, यानी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं हमारे साथ रहता था, लेकिन अब वो अपना एक नई जगह बना के वहाँ पे रहने लगा है। तो वो इस समय दिन में हमारे साथ रहता है, रात में वहाँ ऊपर चला जाता है सेकंड फ्लोर पे जो अभी नहीं बना है। और वो वहीं पे मोरंग पड़ी है, वहीं पे अपना घर बना के रहता है जो कि उसने एक बार अपने हाथों से बनाया था। वो मजबूत भी था लेकिन उसे बंदरों ने तोड़ दिया। बंदरों ने उसे किस प्रकार तोड़ा था वो उसकी जानकारी मेरे पिछले वीडियो पे है। और ये देखिए पहले वो और वाइट वाले खरगोश यहाँ पे रहते थे, लेकिन अब वो खरगोश यहाँ पे रहने लगा है। गांव के खरगोशों की तरह शहर में होने के बावजूद भी उसे गांव का सुख भी मिल रहा है। ये देखिए उसने गड्ढा खोदा अपने बिल को, वो रोज़ बढ़ाता भी है, पहले भी बढ़ाता था, आज इस समय भी बढ़ाता है। इसमें थोड़ा बहुत गड्ढा कोका खरगोश नहीं खोदा है, मैंने गड्ढा ज़्यादा नहीं खोदा है क्योंकि गड्ढा खोदने में वो माहिर है। और आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको कोका खरगोश को का ये घर कैसा लगा। और ये देखिए कोका खरगोश ने गड्ढा खोद के यहाँ पे सो लिया। और उसके लिए यह घर बहुत अच्छा है, छुपने के लिए भी और उसके लिए भी, और वो यहाँ पे आराम से रहेगा। और मैंने इसे इसलिए बनाया है क्योंकि कोका खरगोश ने जो उसका अपना घर बनाया था वो टूट गया था, उसे के लिए बंदरों ने तोड़ा था उसे। और आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरा अगला वीडियो जिसका नाम है कोका खरगोश का दिल टूट गया, वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो अब कोका खरगोश को मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। और सच बताऊँ तो यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत टफ है, लेकिन तब भी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो देखिए कोका खरगोश को आगे की तरफ से, आगे से मैंने एक छोटा सा छेद छोड़ा है वेंटिलेशन के लिए, तो देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है कोका खरगोश आगे की तरफ से। यहाँ पे वीडियो बनाना इतना मुश्किल है। ये देखिए कोका खरगोश ने मेरी तरफ देखा और मुझसे गलती से थोड़ी सी मोरंग गिर गई और वो अपने आप गिरती ही जा रही है। ये देखिए दोस्तों कोका खरगोश का इस समय क्या हाल हुआ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कोका खरगोश की आँख में तो मोरंग नहीं गई, उसकी आँख में मोरंग नहीं गई है, वो अपनी आँख बंद कर लेता है। और मैंने इसे जानबूझ के नहीं डाली है, गलती से गिर गई है, आप लोगों की वजह से ही गिरी है वीडियो, सॉरी कोका।
कोका तो अब मुझे पूरी तरह से भूल ही गया है, रिस्पॉन्स ही कोई नहीं कर रहा उसे बुलाने पे। ये देखिए कोका खरगोश के ऊपर और मोरंग गिरती जा रही है, जो कि मैं नहीं गिरा रहा हूँ। कोका खरगोश गलत जगह पे सो रहा है, उसे अंदर सोना चाहिए। और ये देखिए ये भी टूट गया है, ये बहुत हल्के से जुड़ा था, इसे मैं एक बार फिर से जोड़ देता हूँ और देखते हैं। ये है कोका खरगोश का नया घर, आशा है आपको पसंद आया होगा। और कोका खरगोश के इसके अलावा उसके पास उसका एक घर है दफ्ती का, उसका एक रूम सेटअप भी है, और भी उसके पास बहुत सारे सामान हैं। तो कोका खरगोश इस समय अपने नए घर में बहुत खुश है और उसे वो भरपूर इंजॉय कर रहा है। कोका खरगोश के ऊपर मोरंग गिरती जा रही, इसे मुझे साफ़ करना पड़ेगा लगता है, निकाल के इसको। नहीं, ये अपने आप को साफ़ कर लेता है वैसे। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप कोका खरगोश के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उसकी एज के बारे में, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।